बिन बारिश से बस्ती में गंदा पानी भर जाने से परेशान वार्ड वासियों ने दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की। दुर्ग के वार्ड 39 में बीते कई दिनों से लगातार वार्ड के घरों तक पानी भर जाने का मामला सामने आया है। अभी भीषण गर्मी का मौसम है तो हाल ये है, कई बारिश के मौसम में भी यही हाल रहा तो लोगों का वार्ड में रहना मुश्किल हो जाएगा। वार्ड पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्ग निगम की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे वार्डवासी शिकायतों का फेहरिस्त लेकर जनदर्शन पहुंचे। वार्डवासियों ने अपनी पीड़ा बतलाई। इस संबंध में वार्ड के पार्षद ने भी इस तरह की जानकारी दी। रोड में लगभग 4 माह से गड्ढा खोद के रख दिया गया नाले के लिए, और उस नाले को आनंद नगर जैसे क्षेत्र में डाइवर्ट किया जा रहा था, जो कि वैसे ही डुबान क्षेत्र है, और यदि पानी चालू हो जाता है बारिश में तो वो तो पूरा घरों में पूरे बस्ती में भर जाएगा। अभी तो ये हाल है कि नगर निगम के जो जल घर का पानी है, गंदा पानी वो आ रहा है, उससे पूरी आनंद नगर में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते वहाँ के लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोग इतने परेशान हैं कि गंदे पानी को, उसके कीचड़ को हाथ से उठाने के लिए मजबूर है, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन सो रहा है। लगातार 4-5 बार इन्हें कह चुके हैं कि आप इसकी समस्या का निराकरण तत्काल करिए, लेकिन आज तक के उसका निराकरण नहीं हुआ। मजबूर होकर आज यहाँ पे लोगों को फिर से आना पड़ा है। अगर आज नहीं होता है निराकरण तो नगर निगम में महापौर, कमिश्नर, जिला कलेक्टर सबका घेराव पूरे बस्ती के द्वारा किया जाएगा, और आज के आज इसका निराकरण के लिए जब चर्चा हुई है माननीय जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में जो बैठे हैं उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि तत्काल कमिश्नर को भेजा जा रहा है। कमिश्नर साहब आते हैं और देखते हैं तत्काल उस गड्ढे को पाटा नहीं जाता है तो तीव्र और शीघ्र ही जोर से काफ़ी जोरों का आंदोलन होगा, और इसके लिए वार्ड नंबर 37, 38, 39 और 36 सभी के नागरिक उपस्थित होकर पूरी तरह से इसका घेराव करेंगे। फिलहाल वार्ड नंबर 39 का मामला है, बशर्ते बरसात के दिन में 37, 36, 38, 39 से 3-4 वार्ड बहुत प्रभावित रहता है, ये पहले की बात है। अब जब इसका नल घर का पानी अभी इधर डाइवर्ट कर दिया गया है आनंद नगर में, उससे तो और भी ज़्यादा परेशानी होगा भविष्य में बरसात में। इसी के साथ हम लोग जिलाधीश महोदय के पास आए थे, इससे पूर्व में भी 15 दिन पहले जिलाधीश साहब को हम दे चुके हैं आवेदन, बाकी अभी तक कोई कार्यवाही नगर निगम PW द्वारा नहीं किया जा रहा है। आगामी किस तरह की कार्रवाई करेंगे? आगामी नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और पूरे वार्डों के नागरिक जितने परेशान हैं सबको लाके कलेक्टर का घेराव करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।